Hi everyone, welcome back to the ARD Static MCQ series for the NABARD exam. In the previous session, we have discussed questions related to the horticulture, right? And in today's session, we'll be discussing questions from the fisheries as well as the horticulture, alright? Before we begin, all those people who are here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can join our Telegram wherein you can post your queries and you'll be updated with the upcoming videos. Now the first question for today's session is, which of the following method is or are used for asexual propagation of the plant? So a propagation jo hota hai plant mein, that can be through two methods. It can be sexual or asexual. तो सेक्सुअल जो आपके सीड्स या फिर हम स्पोर्ट से प्लांट जनरेट करते हैं वो सेक्सुअल मेथड है. ठीक है, तो सीड आपका एम्ब्रियोनिक जो पार्ट होता है प्लांट का उसको कंटेन करता है, राइट. एसेक्सुअल आपका, दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल, कटिंग, क्लियरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज मेथड्स वन बाय वन. ठीक है, कटिंग में क्या होता है, यू कट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट. ठीक है, इट कैन बी अ स्टेम और अ लीफ और अ रूट. ठीक है, सो इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड देन दीज पार्ट रीजनरेट इट सेल्फ इन टू अ न्यू प्लांट. ऑलराइट, तो इसको हम बोलते हैं कटिंग. तो दिस इज द रीजनरेशन ऑफ अ प्लांट और द प्रोपगेशन ऑफ अ प्लांट थ्रू कटिंग्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में जो स्टेम है आपकी, इसमें कट नहीं कर रहे हैं आपके, द स्टेम इज still attached to the parent plant. ठीक है, it is attached to the parent plant. लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस stem को सीवियर करके या इस stem में कुछ modification करके आप, और या कोई rooting medium जो है उसको introduce करके इसमें roots develop कर दे रहे हैं. then उसके बाद जब इसका propagation हो जाता है उसके बाद आप cut करके इसको न्यू प्लांट की तरह उसको आप प्लांट कर सकते हैं, कहीं ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेयरिंग में स्टेम इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट एंड देन दिस रूटिंग मटेरियल और रूटिंग मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड एंड देन द न्यू रूट्स आर डेवलप्ड. नाउ बडिंग और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया है. इसमें जो प्रोपेगेशन होता है दैट इज बाय कनेक्टिंग टू पार्ट्स ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स. ऑलराइट, सो एक हमारे पास होता है साइन एंड दूसरा हमारे पास होता है रूट स्टॉक. ठीक है, सो रूट स्टॉक से क्या होता है, आपके रूट्स डेवलप होते हैं न्यू प्लांट के और जो साइन होगा दैट विल गिव योर स्टेम और फ्लावर, जो ब्रांचेस जो डेवलप होंगे दैट विल बी फ्रॉम द साइन. सो ग्राफ्टिंग इज नथिंग बट कनेक्टिंग टू पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स. बडिंग में क्या होता है, बडिंग में पूरा का पूरा साइन और एक पार्ट यूज ना करके हम सिर्फ साइन बर्ड को यूज करते हैं. ठीक है, प्लस एक रूट स्टॉक होगा, जैसे कि ग्राफ्टिंग में भी होता है, जैसे कि रूट्स डेवलप होते हैं तो एक रूट स्टॉक होगा प्लस जो साइन होगा उसका सिर्फ हम एक बर्ड कनेक्ट करेंगे. ये हो गया आपका रूट स्टॉक और ये है आपका साइन. यहाँ पे जो बर्ड होगी उसको हम यहाँ से थोड़ा सा बार्क लेके और ये बर्ड को कट करके हम क्या करेंगे, रूट स्टॉक के साथ अटैच कर देंगे, दैट इज द बडिंग. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज मेथड्स आर यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट एंड दीज आर एसेक्सुअल मेथड्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिशेस दैट माइग्रेट फ्रॉम द सी to the fresh water to spawn are called as what? ठीक है, सो सम फिशेज दे माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द सी और द ओशन वाटर फॉर लेइंग एग्स. सो दीज फिशेज आर कॉल्ड, और दिस इज अ क्लास ऑफ अ फिश. आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, एम्फीड्रोमस और नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है हमारा ए, दैट इज एनाड्रोमस. ठीक है, सो एनाड्रोमस जो फिशेस होते हैं दे मूव फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर टू ले देयर एग्स. कैटाड्रोमस क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्या करेंगे, ये फ्रेश वाटर से ओशन वाटर की तरफ माइग्रेट करेंगी, सी की तरफ माइग्रेट करेंगी टू ले देयर एग्स. ठीक है, एम्फीड्रोमस में क्या होता है, एम्फीड्रोमस में भी एनाड्रोमस की तरह ही है कि फ्रेश वाटर से ये जो है ओशन की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, बट उस वक्त ये क्या होती है, लार्वा के फॉर्म में होती है. ठीक है, तो इसका जो बर्थ होगा एम्फीड्रोमस का, ये फ्रेश वाटर में होगा, देन इट विल ड्रिफ्ट टू द ओशन वाटर
when they are in larva, and then again they come back to the fresh water where they develop into adults. ठीक है, यहाँ पे एडल्ट होगा और यहीं पे स्पॉनिंग होगी फ्रेश वाटर में. देन अगेन दे जो उनकी एग्स होंगे दैट विल ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द ओशन लावा के फॉर्म में, एंड देन दे अगेन बैक टू द कम बैक टू द फ्रेश वाटर. राइट, यहाँ पे करेक्ट आंसर एनाड्रोमस है. नाउ ईल इज अ वैरायटी ऑफ व्हाट? ईल जो फिश होते हैं, विच इज अ वैरायटी ऑफ एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, एम्फीड्रोमस और नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर कैटाड्रोमस. तो हमने पढ़ लिया है ठीक है कि कैटाड्रोमस क्या होते हैं. दे मूव फ्रॉम रिवर टू द सी वाटर टू ले देयर एग्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास ऑफ फिश हैज स्केलेटन्स मेड ऑफ कार्टिलेज इंस्टेड ऑफ बोन? ठीक है, दीज आर द फिश क्लासिफिकेशन जिसमें डिफरेंट फीचर्स हैं इस क्लास के. हर क्लास के अपने अपने फीचर्स होते हैं. तो आपको बताने कि किस टाइप के फिशेस में जो उनका स्केलेटन है वो बोन से ना बनकर कार्टिलेज का बना हुआ है. सो कार्टिलेज एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं विच आर सॉफ्टर देन बोन्स, विच आर फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल देन बोन्स. ठीक है, दीज कैन बेंड, जो कि आपको ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स में देखने को मिलता है. राइट, सो कार्टिलेज क्या है? इट्स मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर सॉफ्ट और सॉफ्टर देन बोन. राइट, और ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. तो यहाँ पे क्लास है ऑस्टिक थाइज, कॉन्ड्रिक थाइज, एग्नांथा, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी विच इज कॉन्ड्रिक थाइज. ठीक है, तो ये आपकी होती है कार्टिलेजिनस फिशेस. ऑस्टिक थाइज आपकी बोनी फिशेस होती हैं, यानी कि जो इनका स्केलेटन होता है वो बोन से मिलकर बनता है. And then we have is another class of fish which is Agnatha. And ये क्या होती है? ये jawless fish होती है. ठीक है, इनके पास क्या होता है? Jaw नहीं होता इन fishes में. And which is your next question only? Which of the following are the jawless fishes? ठीक है, तो Agnatha is the right answer here. Now the next question is question number 6. Which of the following is the Indian major carp? Carps क्या होते हैं? These are the oily freshwater fishes होती है. ठीक है, oily फ्रेश वाटर फिशेस. इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है रोहू. सो रोहू इज योर इंडियन मेजर कार्प, व्हाइल दीज वन आर द एग्जॉटिक स्पीशीज. ठीक है, तो सिल्वर कार्प आपको कहाँ देखने को मिलती है? सिल्वर कार्प इज नेटिव टू योर चाइना एंड ईस्ट साइबेरिया. ऑलराइट, चाइना एंड ईस्ट साइबेरिया. देन सिमिलरली ग्रास कार्प आपको ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगी. वियतनाम से आप अगर ईस्ट साइड में जाएं तो उस साइड आपको क्या मिलेगी? ग्रास कार्प फिशेस देखने को मिलते हैं. देन वी हैव कॉमन कार्प. कॉमन कार्प आपकी यूरोपियन वाटर्स रिवर्स में देखने को मिलती है, यूरोपियन और एशियन वाटर्स में देखने को मिलती है. एंड द इंडियन मेजर कार्प इज रोहू. रोहू, मृगाल, दीज आर कार्प फिशेस ऑफ इंडियन रिवर्स और इंडियन वाटर. Now the next question is, which of the following is correctly matched with respect to composite culture of fishes? अब composite culture क्या होता है ये पता होना चाहिए. Composite culture is the process of rearing different species of fishes in the same area or a fish pond. यानी कि आपके पास एक pond है ठीक है, और उसमें आप दो या दो से ज़्यादा, यानी तीन, इट कैन बी फोर और फाइव डिफरेंट स्पीशीज जो हैं आप एक साथ रेयरिंग कर रहे हैं इन फिशेज की. ठीक है, सो दिस इज नोन एज द कंपोजिट कल्चर ऑफ फिशेज. ना आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सी जो है वो स्पीशीज और उनके फीडिंग जोन जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं. सो काटला फीडिंग जोन है इसका सरफेस फीडर. यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि एक कॉलम है. ठीक है, तो कॉलम है और इस तरीके से आप रेयरिंग कर रहे हैं. यहाँ पे एक एक स्पीशीज होगी ठीक है, देन मिडिल उसमें कॉलम फीडर में आपका क्या होगा? दूसरी स्पीशीज होगी. देन बॉटम फीडर में कोई थर्ड स्पीशीज होगी. तो इस तरीके के कंपोजिट कल्चर है, रेयरिंग और फिश तरीके से हो रही है ना. काटला इज द सर्फेस फीडर, दिस वन इज करेक्ट. यानी कि जो काटला है वो यहाँ सर्फेस पे होगी. ठीक है, टॉप वाटर जो होगा दैट वुड बी ऑक्यूपाइड बाई दिस काटला फिशेज. देन रोहू इज कॉलम फीडर, यानी कि मिडल वाले रीजन में रोहू होगी. ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. एंड देन वी हैव मृगाल. मृगाल आर द बॉटम फीडर्स. येस, दिस वन इज करेक्ट. मृगाल आर द बॉटम फीडर फिशेस.
So all of these are correct. All right. Now the next question is, which of the following propagation method involves the complete removal of a ring of a bark from the root stock? Now these are different budding methods. Or budding हमें पता है ना, दो plant के जो parts हैं उनको हम आपस में connect करते हैं, then उसमें कहते हैं the bud of a scion is connected to the root stock. अब इसमें बोल रहे हैं कि किस पर्टिकुलर मेथड में जो रूट स्टॉक होता है उसमें से एक पूरे के पूरे बाग की एक रिंग जो है वो रिमूव कर दी जाती है, यानी किस तरीके से, आप समझ लीजिए ये आपका रूट स्टॉक है. ठीक है, ये इस तरीके से कट कर दिया गया है यहाँ से, यानी कि पूरी की पूरी बाग जो है कट कर दी. बेयर विद द ड्रॉइंग. This would be like this. ठीक है, यानी कि पूरा बाग आपने रिमूव कर दिया है, सिर्फ बीच का जो एरिया है उसको आपने छोड़ दिया है, इसके चारों तरफ से बाग एक रिंग जो है वो रिमूव कर दिया. अब क्या आप क्या करेंगे, एक जो बार्क होगा वो दूसरे प्लांट से लेंगे और उसको क्या करेंगे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, फिट कर देंगे, एक रिंग जैसी बनाई जाएगी दूसरे प्लांट से और उसको इसमें फिट कर देंगे. सो इस पर्टिकुलर मेथड को बोलते हैं रिंग बडिंग. ठीक है, रिंग बडिंग में क्या होता है, आप क्या करते हैं पूरी की पूरी एक रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव फ्रॉम द रूट स्टॉक एंड देन सायन में से आप एक बार्क की रिंग जो है वो कट करते हैं जिसमें बड होते हैं एंड देन यू फिट दैट इनटू द रूट स्टॉक. चिप बडिंग में क्या होता है, चिप बडिंग में क्या होगा, आपका जो रूट स्टॉक है ये, इसमें आप एक तरीके से चिप कट करते हैं, यानी कि पहले इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, फिर एक एंगल में कट करेंगे 45 डिग्री का और ये इस तरीके से यहाँ से चिप जो है वो रिमूव कर देंगे एंड देन आपके पास क्या होगी, इसी शेप में, सिमिलर शेप में आप एक क्या करेंगे, चिप जो है वो दूसरे सायन से कट करके इस रूट स्टॉक में फिट कर देंगे, वो होती है चिप बडिंग. ऑलराइट, नाउ वी हैव टी बडिंग. टी बडिंग हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. टी बडिंग में क्या होता है, सिंपल ये आपका रूट स्टॉक है, इसमें आप कट क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कट लगेगा, एक वर्टिकल कट लगेगा. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कट लग गया ऊपर से, ये वाला जो बार्क है और ये वाला जो दो पार्ट है ये ओपन हो जाएंगे और देन आपके पास जो सायन होगा, सायन में से आप क्या करेंगे, एक पोर्शन जो होगा इस तरीके का जो शेप होगा जो कि इसके अंदर फिट हो जाए वो कट करेंगे जिसमें कि बर्ड लगी हुई होगी एंड देन उसको आप इस पोर्शन में अंदर फिट कर देंगे. ठीक है, तो ये आपका होता है टी बडिंग. पैच बडिंग में क्या होता है, पैच बडिंग में आपका आपने ये रूट स्टॉक है, इसमें क्या करेंगे आप एक सिंपल पैच जो है वो कट कर लेंगे. ठीक है, इस तरीके से बीच में से एक पैच जो है वो कट कर लेंगे बाग का, उसको हटा देंगे एंड देन आपका जो भी साइन होगा उसमें से आप ये पैच यहाँ से निकाल कर इसमें फिट कर देंगे. ऑलराइट, सो दीज आर डिफरेंट बडिंग मेथड जिसमें आप रूट स्टॉक को मॉडिफाई करते हैं. ऑलराइट, एंड देन यू एड और साइन का एक पार्ट जो होता है आप उसमें ऐड कर देते हैं. राइट, सो दिस इज द डिफरेंट बडिंग मेथड्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू लीफ कटिंग. सो हमने देखा था कटिंग में क्या होता है, यू जस्ट कट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कुड बी अ लीफ और अ रूट और अ स्टेम. ठीक है, देन दैट पार्ट रीजनरेट्स इटसेल्फ इनटू अ न्यू प्लांट. अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसमें कि आप लीफ को कट करके एक प्लांट प्रोपगेट कर सकते हैं. ऑप्शन है स्नेक प्लांट, ब्लैकबेरी, गुआवा, रोज और जैस्मिन. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्नेक प्लांट और ब्लैकबेरी. सी, लीफ कटिंग से वही प्लांट में प्रोपगेशन हो सकता है जो कि थोड़ी फ्लैशी लीव्स होती है. ठीक है, फ्लैशी थिक लीव्स होती है, वही लीफ कटिंग के मेथड से आप उसको प्रोपगेट कर पाते हैं. तो स्नेक प्लांट एंड ब्लैकबेरी जो है, दीज आर दी प्लांट्स दैट कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू दिस मेथड. तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए. बाकी गुआवा, रोज, जैस्मिन, ये क्या होता है, आप इसमें स्टेम कटिंग करते हैं या मोस्टली स्टेम कटिंग होते हैं या फिर गुआवा में आप एयर लेयरिंग भी करते हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एटेन्यूएशन लेयरिंग. तो एटेन्यूएशन क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए. दिस इज द नेचुरल फिनोमिना. ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है वेर इन प्लांट सर्चेस फॉर द लाइट. ठीक है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो इस तरीके से होता है कि इट ऑलवेज सर्चेस फॉर द
सनलाइट। तो आपने अभी सीड को जर्मिनेशन उसका होते हुए अगर देखा होगा, सीड को क्या करते हैं आप, पूरे सॉइल के अंदर सो करते हैं सीड को, देन क्या होता है जर्मिनेट होता है, तो क्या होता है लाइट इसको चाहिए होती है ना प्लांट को। जैसे ही सीड जर्मिनेट होगा तो इसके जो लीव्स होंगी वो सबसे पहले क्या होंगी, ग्राउंड को, ग्राउंड के बाहर आएंगी। क्यों आती है, क्योंकि दे नीड सनलाइट फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर द फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस, इटिलिएशन इज द मेथड और द नेचुरल फिनोमेना वेर इन द प्लांट सर्चेस फॉर सनलाइट। नाउ विच ऑफ द लेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज दिस इटिलिएशन लेयरिंग। सो ऑप्शन है आपके पास कंपाउंड लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, एयर लेयरिंग और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ट्रेंच लेयरिंग। अब ट्रेंच लेयरिंग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। सो ट्रेंच लेयरिंग में क्या करते हैं, लेयरिंग में हमें पता है कि स्टेम जो होती है वो प्लांट से कनेक्ट होती है, बस आप एक रूटिंग मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है उस स्टेम में, ताकि उस स्टेम में ही जो है वो रूट्स डेवलप हो जाए। अब ट्रेंच में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्री है ठीक है, और ये स्टेम है, इस स्टेम को आप बेंड करेंगे इस तरीके से और इस पूरे पूरे स्टेम को सॉइल से कवर कर देंगे ठीक है, रूटिंग मीडियम से कवर कर देंगे, बस जो एंड पार्ट होता है वो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, सो दैट फूड वगैरह की कमी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली इनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ये पूरा का पूरा क्या होता है, सॉइल के अंदर इसको दबा देते हैं। तो अब जो भी बर्ड्स होंगी जहाँ, वहाँ से क्या होता है आपकी ब्रांचेस जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है, स्टेम डेवलप हो जाती है, यहाँ पे आपका क्या रूट डेवलप हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको कट कर देंगे, इंडिविजुअल दीज प्लांट्स कैन बी कट एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू अदर प्लेसेस। तो ट्रेंच लेयरिंग में ये कहते हैं करते हैं। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप इसको सॉइल से जब कवर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब प्रोपगेशन हो रहा है, जब न्यू लीव्स और बर्ड्स डेवलप हो रही है, तो वो क्या करेंगे सनलाइट की सर्च में ऊपर की तरफ राइज होंगी, और इसीलिए इसको एटिलिएशन लेयरिंग भी कहते हैं। नाउ सिंपल लेयरिंग क्या होता है, सिंपल लेयरिंग में क्या होता है, ये ट्री है ठीक है, और ये आपका स्टेम है मान लीजिए, इसमें क्या करेंगे नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा कट लगाएंगे और इसको बेंड करेंगे और देन ये ऐसा होगा। तो यानी कि बहुत छोटा सा जो पार्ट होता है कट होता है उसको हम सॉइल से कवर करते हैं, और यहाँ पे आपके रूट्स और न्यू जो पार्ट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और ट्रेंच लेयरिंग में करते हैं पूरी की पूरी ब्रांच जो होती है उसको हम सॉइल से कवर कर देते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग में क्या होता है, ये ट्री है, इसकी ब्रांच है ये ठीक है। नॉर्मली लेयरिंग उन्हीं में करते हैं जहाँ क्या होती है ये कंपाउंड लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, जो कि फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होते हैं ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव कवरिंग करते हैं इस तरीके से, यानी कि इसको सॉइल से कवर करते हैं, देन अ पार्ट ऑफ स्टेम इज रिमेन्ड ओपन इन द एयर, देन द अनदर पार्ट इट कवर्स इन द सॉइल ठीक है। इसको आप सॉइल में दबा दें नीचे ग्राउंड में इस तरीके से, तो ऑल्टरनेटिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं स्टेम में, वो होती है कंपाउंड लेयरिंग। तो यहाँ से आपके न्यू सैपलिंग्स होते हैं वो डेवलप होंगे ठीक है। एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, एयर लेयरिंग वहाँ पे करते हैं जो कि आपकी स्टेम फ्लेक्सिबल नहीं होती, जो हार्ड्स होती है, फॉर एग्जांपल गुआवा का जो ट्री होता है वहाँ पर एयर लेयरिंग होती है। अब इसको ग्राउंड में तो नहीं दबा सकते, आप मान लीजिए बहुत बड़ा ट्री है, यहाँ बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं, सो आप क्या करेंगे इस पर्टिकुलर ब्रांच में इसको सेवर करते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, इसको एक ब्रांच ले लीजिए पीस ठीक है। तो यहाँ से इसका जो बार्क है वो निकाल दें चारों तरफ का, देन इसमें क्या करते हैं आप स्फेग्नम मॉस होती है, स्फेग्नम मॉस होती है उसको इसके साथ कवर करते हैं, या फिर इनफैक्ट पीटी सॉइल या फिर क्ले को मिक्स करके उसको भी आप इसमें कवर कर दें ठीक है। और यहाँ पे वो रूटिंग मीडियम है उसको आप अटैच कर दें, देन क्या करें प्लास्टिक फॉइल से उसको रैप कर दो। तो यहाँ से क्या होता है इसमें रूट डेवलप हो जाते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में रूट डेवलप हो जाते हैं, देन उसको आप कट कर दें एंड दिस कैन बी रिजल्टेड इनटू अ न्यू सैपलिंग और अ न्यू ट्री ठीक है। इसको आप क्या करें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं देन दूसरी जगह जाकर। सो एयर लेयरिंग यही होती है। तो दीज आर द डिफरेंट लेयरिंग मेथड्स ऑलराइट, एंड लेयरिंग इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। So this was all about today's session. I hope you like it. In case you have any queries, do post it down on the comment section. All right? And yeah, so this was all. And we'll see you in the next session. Till then, keep